कुतुब मेल में आपका स्वागत। मैं आरिफ जमाल एक नई खबर के साथ। खबर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने मीडिया को लेकर एक नए कानून और कायदों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे लेकर अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस कानून के प्रस्ताव को मीडिया मार्शल लॉ का नाम देते हुए यह कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाम लगाने वाला यह कानून है। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्डिनेंस 2021 लाना चाहती है, जिसे लेकर वहाँ बवाल खड़ा हो गया है। PMLM की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा यह मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश है, इसके जरिए सरकार मीडिया हाउसेस पर अपना लगाम लगाना चाहती है, साथ ही उन्हें अपना माउथपीस बनाना के तहत फिर उन्हें बंद करना चाहती है। पाकिस्तान सरकार ने इस नए कानून के तहत मीडिया से जुड़े पिछले सारे कानूनों को जोड़ने का प्रस्ताव पास किया है। साथ ही इस नए कानून के तहत प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक की कानून में नियमावली तय की गई है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि नए कानून के तहत एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो देश में सभी तरह के मीडिया की नियमावली तय करेगी। नए कानून के तहत देश में अखबार और डिजिटल मीडिया के चलाने के लिए भी टीवी चैनलों की तरह ही लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस ड्राफ्ट में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यूट्यूब चैनलों, वीडियो ब्लॉग्स आदि को लेकर भी नियमावली तय करने की बात कही गई है। इस अथॉरिटी में कुल 11 मेंबर्स होंगे और एक चेयरपर्सन होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर प्रेसिडेंट के तहत की जाएगी। हालांकि झगड़ा इन कानूनों को लेकर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जो बात है वह है फौज और सरकार पर मीडिया के तंज करने पर रोकने के लेकर है। प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी मीडिया की ओर से सेना, संसद, सरकार और उसके मुखिया को लेकर तंज नहीं कसा जा सकता, जिसके चलते हिंसा की आशंका हो या फिर उसकी मानहानि होती हो। नए कानून में इस नियम को लेकर ही सबसे ज़्यादा एतराज़ जताया जा रहा है और इसे पाकिस्तान का मीडिया मार्शल लॉ कहा जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.